ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ नहीं है, इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो हमारे स्पेस में जो होती हैं ड्रॉ की जाती हैं। ठीक है, इमेजिनरी लाइंस का मतलब क्या है, ये एक्चुअल लाइंस नहीं होती हैं, इमेजिनरी लाइंस होती हैं, जिससे जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी के डायरेक्शन में इसको रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। ठीक है, अब हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको बताई थी कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को। ये बहुत सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया जाता है ऑप्शन में, और आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो पहली प्रॉपर्टीज़ हमने आपको क्या बताई थी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, आप लिख सकते हो, तो प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने ये बताया कि, हाँ, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि ये बताया गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमारी पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव चार्ज से टर्मिनेट हो जाती हैं, टर्मिनेट होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमने बताया, यानी कि पॉजिटिव चार्ज से क्या होंगी, ओरिजिनेट, जबकि नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि टर्मिनेट का मतलब खत्म हो जाएंगे। सेकंड प्रॉपर्टीज हमने बात की कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करते हैं, जिस प्रकार हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो एक क्लोज लूप फॉलो कर सकती हैं। जैसे ये मान लो मैग्नेट है नॉर्थ और साउथ, तो इसमें नॉर्थ से निकल के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से जाती हैं, यानी कि इनकी एक एक लूप फॉर्म कर रही हैं, एक लूप बना रही हैं, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा नहीं करती हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको दे दिया जाता है, सेकेंड पॉइंट हो गया था। उसके बाद हमने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो स्पेस में कभी भी टर्मिनेट नहीं होती हैं। ठीक है, और थ्री पॉइंट हो गए थे इस तरीके से। फोर्थ पॉइंट क्या है, अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, अगर हम आपसे ये कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ, जैसे सपोज करो इस तरीके से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हमने मान लिया कि इस तरीके से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मान लो इस तरीके से हैं, ये सॉरी, तो इस तरीके से हमने मान लिया कि एक पॉइंट यहाँ पे ए है, एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट सी है। ठीक है, अगर आपसे ये कहा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर बात करें तो किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, तो देखिए यहाँ पे हमेशा ये याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितने भी रिलेटिवली क्लोज होंगी, जितनी भी पास पास होंगी, तो वो उसकी स्ट्रेंथ जो होती है ज़्यादा होती है। तो जैसे मान लो अगर पास पास की बात करें तो यहाँ पे सबसे क्लोज कौन कौन सी है, ये क्लोज है यहाँ पे ए पॉइंट, है कि नहीं, इसके बाद बी बहुत ज़्यादा है डिस्टेंस के बीच में, उसके बाद ये है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो रिलेटिव क्लोजनेस को दिखाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है रिलेटिव क्लोजनेस, जितना रिलेटिव क्लोजनेस होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, उतना ही हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी लिख लो, लिख लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ, इसमें दिख नहीं रहा क्या, सही कलर चेंज करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स द स्ट्रेंथ
ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट हैव रिलेटिव क्लोजनेस तो जहाँ पे भी रिलेटिव क्लोजनेस जितना ज़्यादा होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो होती है हमारी चार्ज के सरफेस पे परपेंडिकुलर होती हैं हमेशा, ये याद रखना, चार्ज के सरफेस पर हमेशा क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। जैसे मान लो ये कोई प्लस चार्ज है क्यों, ठीक है, तो इसका सरफेस आप देखोगे तो सरफेस तो यही है, ठीक है। तो कहीं पे भी आप देखोगे जैसे प्लस के लिए ऐसे बनाया आपने, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होते हैं आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देख रहे होगे कि चार्ज के सरफेस पे परपेंडिकुलर बना रही है कि नहीं, परपेंडिकुलर बना रही है यानी कि 90 डिग्री। तो इस तरीके से ये भी कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो होती हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं हमारे चार्ज सरफेस पे, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी लिख लीजिए, ठीक है। तो टेंजेंट हमारा क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे सपोज करो टेंजेंट का मतलब इस पॉइंट पे आप टेंजेंट बना लो इस तरीके से, ठीक है, इस पॉइंट पे बनाओगे तो टेंजेंट, तो टेंजेंट बताता है कि हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ठीक है। इस पॉइंट को भी लिख लो, द टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एट ए पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट ठीक है, ये टेंजेंट बन गया। इस तरीके से बना लो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन की बात आएगी तो उसके किसी भी पॉइंट पे आप क्या करो, एक टेंजेंट को ड्रॉ कर लो, तो जिधर टेंजेंट बनेगा उसी हिसाब से उसकी डायरेक्शन हो जाएगी। अब मान लो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं, दो लाइन्स हैं, तो उस दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है, ये एक प्रॉपर्टीज होती है। क्यों नहीं कर सकती हैं, क्योंकि अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को अगर आप इंटरसेक्ट करोगे, मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ये है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ये है, ये इंटरसेक्ट की हैं, अगर आप इंटरसेक्ट करते हो तो कहीं ना कहीं इसका टेंजेंट, इसकी डायरेक्शन बनाना चाहते हो। मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ये है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ये है मान लो, ठीक है, इसका अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो टेंजेंट तो आपका अलग अलग हो जाएगा, है कि नहीं। टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो टेंजेंट हमारा क्या होगा, एक ही इंटरसेक्शन पे टेंजेंट दो नहीं बना सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। इस पॉइंट को लिख लीजिए, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन नेवर इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ दे डू डू सो देन देयर विल बी टू टेंजेंट एट द पॉइंट टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन एंड दस टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स
टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स विच इज इम्पॉसिबल। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ हो गई। अच्छा, एक प्रॉपर्टीज़ ये होती है, जैसे मान लो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, तो हमने क्या बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दो होंगी तो वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अगर ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मान लो पॉजिटिव चार्ज की वजह से हैं, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज आप जानते हो क्या करता है, रिपेल करता है। दो पॉजिटिव चार्ज होंगे तो दो पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उन्हीं से निकल रही होंगी। ठीक है, तो कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी पॉजिटिव चार्ज की वजह से तो वो हमेशा क्या करेंगी, रिपल करेंगी। एक प्रॉपर्टीज़ ये है कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन आप लेते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन का मतलब क्या है कि चार्ज हमारा रेस्ट में है, चार्ज मोशन में नहीं है। तो चार्ज मोशन में नहीं हो तो उस केस में अगर किसी कंडक्टर की बात की जाए, किसी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड कंडक्टर के, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होती है। जैसे मान लो ये कंडक्टर है, ठीक है, इस कंडक्टर के जो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमेशा जीरो होती है। कब? जब हम एज्यूम कर लेते हैं या हम देखते हैं कि इलेक्ट्रो स्टैटिक कंडीशन है। तो इलेक्ट्रो स्टैटिक कंडीशन में हमेशा याद रखना कि कंडक्टर में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है। ठीक है, क्यों नहीं होती है? तो आप जानते हो कंडक्टर, जैसे ही आप क्या करोगे, कोई चार्ज मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने रखा, ठीक है, तो आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज रखते हो तो वो क्या करता है, मूव करता है, उस पर फोर्स लगाता है, और फोर्स क्या होता है, एफ इक्वल्स टू क्यू ई, यही फोर्स होगा, है कि नहीं? तो ये जब मोशन में आ जाएगा तो इस केस में हम ये कह सकते हैं, जब मोशन में आ गया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की कंडीशन ही ख़त्म हो गई यहाँ से, है कि नहीं? तो इसीलिए ये कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में अगर अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात की जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमारी कंडक्टर के अंदर कभी भी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नहीं होगी, हमेशा जीरो होगी। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी लिख लो।